सो गाइज वेलकम बैक भाई साहब। बात करते हैं यहाँ पर OMG 2 की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भाई साहब, जो यहाँ पर लेटेस्ट में भाई साहब क्रिटिक्स ने बातें की हैं इस मूवी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें, एंड कहीं ना कहीं इससे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, उन लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी जो भाई साहब यहाँ पे डाउट रखते हैं इस मूवी के अंदर। सिंपल सी बात है गाइज, आप सभी जानते हैं जब भी बात आती है अक्षय कुमार की मूवी का, एक ऑडियंस का एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी प्रकार से कभी भी वो भाई साहब खुश नहीं रह सकते इस मूवी से, एंड कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती अक्षय कुमार की हर मूवी के अंदर कमियां निकालने को करते ही करते हैं। सो ऐसे में उनको थोड़ी बहुत सफाई मिल जाएगी इस मूवी के बारे में, कहीं ना कहीं उनको थोड़े बहुत कम पॉइंट्स मिलेंगे आगे चल करके इस मूवी को बॉयकॉट करने के लिए, जबरदस्ती कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए कि क्या वाकई में भाई साहब इस मूवी के अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स को भाई साहब खासतौर पर हिंदुइज्म को क्या टारगेट कर रही है फिल्म, आखिर क्या बातें निकल करके, थोड़ी बहुत उस पर बातें करते हैं। तो देखो भाई लोग, सीन क्या है कि आप भी जानते हैं कल के दिन जैसे पोस्टर आया इसके ऊपर काफी जबरदस्त तरीके से ऑडियंस ने अपने अपने रिएक्शंस दिए, फैंस काफी खुश थे भाई साहब यहाँ पर, क्रिटिक्स काफी खुश थे भाई साहब यहाँ पे, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसको शक की निगाह से देखा, लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए। एक यूजर ने भाई साहब यहाँ पे कमेंट किया, 11 अगस्त को अक्षय कुमार की OMG 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर आ रही है, उम्मीद है परिस्थिति माहौल के इतर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस फिल्म में देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, इस फिल्म में भोलेनाथ के रूप में कोई भी व्यक्ति मजाक उड़ाता हुआ दिखाई नहीं देगा, उम्मीद है आदि पुरुष का हश्र देखकर इस फिल्म के डायरेक्टर एक्टर संवेदनशीलता को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब इस मूवी के अंदर आदि पुरुष तो बहुत दूर की बात है, वो तो एक नेक्स्ट लेवल कचरा था, एंड आप भी जानते हैं जब आदि पुरुष जैसी मूवी आती है तो वहां पे लोग कोई भी प्रभास को टारगेट नहीं करता, वहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ ओम राउत को टारगेट करते हैं, डायरेक्टर को टारगेट करते हैं, राइटर को टारगेट करते हैं, लेकिन भाई साहब कोई भी यहां पर प्रभास को टारगेट नहीं करता। लेकिन भाई साहब जब बात आती है यहां पर OMG 2 इसी मूवी की, तो भाई साहब यहां पर लोग डायरेक्टली पोस्टर देखने के बाद से लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं अक्षय कुमार को। तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक सेक्शन है जो हमेशा बस परेशान रहता है अक्षय कुमार से, एंड कहीं ना कहीं वो बस बहाना ढूंढते हैं किसी भी तरह से इस मूवी के अंदर प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए, किसी भी तरह से इस मूवी को भाई साहब बॉयकॉट करने की कोशिश करने के लिए। सो गाइस आपको बता दूं कल के दिन भाई साहब यहाँ पे पोस्टर आने के बाद कुछ क्रिटिक्स का भाई साहब मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, एंड ऐसे भाई साहब क्रिटिक्स ने साफ साफ कुछ बातें कही है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या बातें कही भाई साहब। यहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा है कि इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि वो इस मूवी के अंदर एक्सटेंडेड कैमियो में रहेंगे जिस तरह से वो OMG 1 के अंदर थे भाई साहब। यहाँ पे मेन जो अपना लीड होने वाला भाई साहब यहाँ पे होने वाले पंकज त्रिपाठी का, जो कि भाई साहब श्रद्धालु है, जो कि आप बोल सकते हैं एक डिवोटी है, भोलेनाथ के अंदर श्रद्धा रखता है, आप देख सकते हैं उनके पोस्टर जब यहाँ पे पंकज त्रिपाठी का रिलीज किया गया था, उनके माथे के ऊपर तिलक देख सकते हैं, उनके हाथ के अंदर कलावा देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ मूवी के अंदर छोटी मोटी चीजों का भी काफी तरीके से ध्यान यहाँ पे रखा गया। गाइस यहाँ पे क्रिटिक ने इसके ऊपर साफ साफ कहा कि इस मूवी के अंदर सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक को कवर करते वक्त भी मेकर्स ने इस चीज का ध्यान रखा कि किसी भी तरह से किसी भी ऑडियंस के सेक्शन को इस मूवी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस गाइस, किसी भी ऑडियंस के सेक्शन को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर कोई भी अलग जेंडर हो, भाई साहब यहाँ पे किसी को भी उस पर्टिकुलर जो यहाँ पे सीन दिखाए जाने वाला है, सेक्स एजुकेशन जो टॉपिक कवर किया जाने वाला है, उस परेशानी वाले जो चीजें यहाँ पे कुछ ऑडियंस को हो सकती है वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इस चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया। भाई साहब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है, क्या भाई साहब इस फिल्म के अंदर फिर एक बार या फिर जिस तरह से बॉलीवुड का अक्सर रहा है कि भाई साहब यहाँ पे हिंदुइज्म को टारगेट करते हैं या फिर एक बार कोई टारगेट कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? तो गाइस यहाँ पे क्रिटिक्स ने इसको फिर साफ साफ कहा कि भाई साहब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, यस गाइस प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए मूवी को बनाया गया है, मूवी किसी भी तरह से फिर एक बार भाई साहब किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करते, उल्टा भाई साहब यहाँ पे मूवी अपने इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए भाई साहब यहाँ जो वैल्यूज है अपने ट्रेडिशन की, कल्चर्स की, उनकी वैल्यूज को प्रॉपर तरीके से दिखाता है, एंड कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये मूवी, किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं करेगा या फिर आपको इस सिचुएशन में डालेगा कि आप इस मूवी के लिए कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करें या फिर आप इस मूवी को बॉयकॉट करने की कोशिश करें। सो गाइस ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी फीलिंग आपको ये मूवी नहीं कराते हैं। सेक्स एजुकेशन जैसा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग या हो सकते हैं टैबू समझते हैं, उस चीज को प्रॉपर तरीके से कवर करेगी, अपनी बातों को साफ साफ रखेगी, एंड कहीं ना कहीं जो लोग इसको अंदर जबरदस्ती कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करना चाहेंगे, जो लोग इसके अंदर जबरदस्ती कुछ पॉइंट ढूंढना चाहेंगे, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं मिलने वाले। सो गाइस कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर निकल करके आए हैं मीडिया जर्नलिस्ट के द्वारा।
द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा इस मूवी के रिगार्डिंग। एंड जिसने भी, सिंपल सी बात है, जिस बंदे को इस मूवी के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, हर कोई बंदा भाई काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस मूवी को लेकर के, इस मूवी के अंदर दिखाए जाने कंटेंट को लेकर के। एंड अक्षय पाजी जैसा उन्होंने जो स्टेप उठाया, मतलब सिंपल सी बात है, आप जानते हो OMG 1 के अंदर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुए थे, बट उसके बावजूद यहाँ पर OMG 2 अगर लेकर के आ रहा कोई बंदा 11-12 साल बाद लेकर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा रखना बनता है भाई, तो मालूम है कि वो क्या लेकर के आ रहे हैं। एंड आदि पुरुष जैसा हाल होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक करना जाहिर सी बात है, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा रखना हमें पड़ेगा इस मूवी के अंदर वाकई में क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, किस तरह से वैसा हमारे इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशन को वैसा प्रॉपर तरीके से दिखाने वाले हैं। एंड सारी चीजें कहीं ना कहीं जब हमारे सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी प्राउड फील होगा इस चीज को लेकर के। और इसके ऊपर आपको लगता है स्क्रीन करना गाइज, एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लोगों को समझना जरूरी है, एंड कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत अश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई इस मूवी के अंदर वाकई में ऐसी कोई भी चीजें नहीं आने वाली हैं जिससे किसी को भी कुछ परेशानी हो, कि मूवी काफी जबरदस्त और शानदार होने वाली है। आई एम पर्सनली वेरी मच एक्साइटेड फॉर द टीजर, एंड आई थिंक टीजर आ गया तो कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस मूवी के बारे में, कहीं ना कहीं लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मूवी किस लेवल की होने वाली है, किस चीज को कवर करने वाली है, एंड कितना जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को सबके सामने रखने वाली है। सो आप इसकी सीरीज कितने एक्साइटेड कमेंट करेगा, एंड क्या लगता है क्या भाई साहब वाकई में मूवी इतनी दमदार होगी जितने दमदार भाई साहब यहाँ पे इनके पोस्टर्स आ रहे, जितने दमदार भाई साहब यहाँ पे फैंस बातें कर रहे हैं, एंड जितने दमदार भाई साहब यहाँ पे क्रिटिक्स ने इन बातों को साफ साफ रखा है। प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।